वो बस ऐसे चाय वगैरह पी रहे हैं। जहाँ जहाँ भी पानी वगैरह मिलेगा साथ साथ हम फिलअप वगैरह करते जाएंगे। तो भाई फाइनली अपना सेटअप वगैरह सब हो गया है। जो भी फ्रेश वगैरह था वो ऑलरेडी हो चुका हूँ। कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए क्योंकि वो कपड़े ज़्यादा ही ख़राब हो चुके थे, 2 दिन से ऑलरेडी पहने हुए थे। और जो दो भैया थे जिसके साथ में रात को रुका था वो पीछे की ओर है, दीपक भाई और क्या नाम बोला, दीपक भाई और रोहित भाई, जो साथ में हम रात को रुके थे वो मतलब ऐसे ही मिले थे रास्ते में, जैसे ही वो जो सोने की जगह वगैरह ढूंढ रहे थे उसके साथ ज्वाइन कर लिया। तो बस ऐसा कुछ सीन है अभी, तो बस ऐसे चाय वगैरह पी रहे, तो बस चाय नाश्ता अपना फटाफट करके यहाँ से सीधा आगे निकलना है। तो आगे का आज प्लान क्या है सब कुछ आगे डिस्कस करता हूँ आपको। तो फिलहाल तो चाय वगैरह एंजॉय कर लेते। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो स्वागत करता हूँ आपका एक नए दिन में और नए सफ़र में। तो आज हमारा जो परिक्रमा है उसका है डे 2, यानी कि दूसरा दिन। तो हमारा जो पहला पड़ाव था वो था भवनाथ से लेके ये जो जीना बाबा की मढ़ी है वहाँ तक का, और टोटल वो जो डिस्टेंस था 12 किलोमीटर का वो हमने कवर कर लिया था। और रात को इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि पूरा अंधेरा वगैरह था। तो आज हमारा है डे 2, तो आज हमारा है पड़ाव 2। तो यहाँ से हम जीना बाबा की मढ़ी से लेके जाने वाले हैं एक सरकरिया हनुमान करके, वो हमारा दूसरा पड़ाव है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर का, पर 8 किलोमीटर कवर करने में पूरा एक दिन जाने वाला है। क्योंकि जो बोलते हैं ना यहाँ पे घोड़ी, तो मतलब चढ़ाई है और उतार है, उसको घोड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो वो टोटल 3 है पूरे परिक्रमा में। तो एक हमने कल पार कर ली थी जो कि नॉर्मल वाली थी, पर जो दूसरी घोड़ी है वाड़वेल करके कुछ जगह है उसकी घोड़ी है, यानी कि मतलब चढ़ाई है, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई है। तो वो हम यहाँ से चढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। तो बस एक घोड़ी चढ़ने में हमको पूरा दिन जाएगा, तो बहुत ही हार्ड है चढ़ाई करना वहाँ पे। और साथ में मेरे साथ लोड भी बढ़ गया क्योंकि रोहित भाई को जाना पड़ा, तो अभी तो ज़्यादा ही लोड है मेरे साथ। तो कोई नहीं, चलो यहाँ से अभी अपना आज का दिन शुरू करते हैं और जाते हैं यहाँ से आगे। जय गिरनारे, जय गिरनारे, गिरनारे मारो ले जा भाई, हमारे गिरी ले जाओ लेके अभी की, अभी की मारो भाई। तो ऐसे कुछ धीरे धीरे करके डे स्टार्ट कर दिया हमने। तो अभी का जो रास्ता है वैसा ही आपको पथरीलों वाला मिलेगा पूरा। पहले जो पहला पड़ाव था उसमें अच्छी रोड थी, थोड़ी आरसीसी की थोड़ी कच्ची रोड, पर उबड़ खाबड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर अभी थोड़ी पथरीली वाली ही पूरी रास्ता वगैरह और सीढ़ियाँ वगैरह है। तो जो भी हो देखते आगे, बाकी ऐसा कुछ सीन है पीछे का। और इस तरफ आपको बहती हुई छोटी सी नदी भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी जगह पे छोटे मोटे पानी के स्रोत वगैरह मिलेंगे, वहाँ पे जूते कैसे भी करके गीले नहीं करने हैं, जूते सूखे ही होने चाहिए। एक बार गीले हो गए तो फिर चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आएगी।
और अभी पूरा जो रास्ता है ऐसा ही पीछे की ओर इसे देख रहे हो पथरीला वाला रास्ता मिलेगा इस तरह से। तो रास्ते में कुछ ऐसे भी सीन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे भजन वगैरह भी रास्ते में सुनने को मिल जाएंगे। तो जो ट्रेकिंग के साथ साथ आपको कल्चरल एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन है, पर रास्ता जो भी है अभी पूरा पत्थरों वाला है तो देख के ही चलना पड़ेगा। इसीलिए रात को यहाँ पे चलने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है, खास करके जो पहली बार आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग रात को भी चल रहे थे यहाँ पे, कंटिन्यूसली आपको यात्रा करते हुए लोग मिल जाएंगे। पर जो लोग बहुत साल से यहाँ पे आ रहे हैं उनको लिए तो दिक्कत नहीं है, पर जो भी नए नए आ रहे हैं तो जब तक पॉसिबल है तो दिन में ही ट्रैवल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं पथरीलों वाले वो आपको छोटी सी टॉर्च में तो नहीं दिखेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है, अभी थोड़ी बहुत चढ़ाई स्टार्ट हो गई ऑलरेडी। तो यहाँ से आगे जाते हुए अभी कोई इतना ज़्यादा फिक्स कोई रास्ता है नहीं, बस एक सीधी सी दिशा वगैरह है, उस दिशा में सबको जाना है। तो आपको छोटे छोटे मतलब ऐसे रास्ते मिलेंगे, समझ लो कि ये पथरीला वाला एक रास्ता है और यहाँ से दो तीन छोटे छोटे रास्ते, मतलब आपको जो रास्ता ईजी पड़ रहा है वो रास्ते पर आपको जाना है। बाकी तो आप देख रहे हो पीछे की ओर ये सब पत्थर वगैरह ऐसा आपको मिल जाएगा। बाकी एक भैया मिले थे वो भी पीछे की ओर आप देख रहे हो, वो भी कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनकी भी खुद की चैनल वगैरह ऐसा कुछ है। तो बस ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर वगैरह आपको यहाँ पे यूट्यूबर देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ अच्छी है कि आउटर इंडिया से बेटर है कि पहले इंडिया को भी ट्रैवल साथ साथ में करो, और स्पेशली अगर आप गुजरात से हो तो फिर गुजरात में ऐसी बहुत सारी जगह आपको ट्रैवल करने के लिए मिल जाएगी। तो ये जगह भी एक नई थी एक्सपीरियंस करने वाली, तो आप आके एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको, तो ये आपको पता चलेगा। तो ये जो पीछे वाला एक छोटा सा रास्ता है वहाँ से मैं चढ़ तो गया हूँ, पर अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा गलत रास्ता ले लिया मैंने, क्योंकि आगे की ओर आप देख रहे हो पूरे झाड़ियों वाला रास्ता है। पर मेन चीज़ क्या है, ये जो पीछे की ओर मेरी मेट्रेस है ना वो हर जगह पे फंस रही है, ये ट्रैक ख़त्म करते करते तो ये मेट्रेस तो फट ही जाने वाली है। पर अभी थोड़ा ऐसा रास्ता है, जैसे मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को कैमरा नीचे ही रखना पड़ेगा फ़िलहाल भाई। तो ऐसे रास्ते में आपको पानी की परब वगैरह भी मिल जाएगी, तो जहाँ जहाँ पे पानी मिल रहा है वहाँ पे पानी ज़रूर फिलअप कर लेंगे। तो अगर आपको पानी पीना है तो ऐसे ही पी सकते हो, पर अगर बोतल वगैरह भरनी है तो पर बोतल आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, तो जहाँ जहाँ भी पानी वगैरह मिलेगा साथ साथ हम फिलअप वगैरह करते जाएंगे। देखो ऐसा कुछ है ना भाई, बाबा
तो ऐसा पूरा पथरीलो वाला रास्ता थोड़ा रिस्की तो है पर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर्स भी है साथ में, तो अगर एडवेंचर के शौकीन हो तो भी यहाँ पे आ सकते हो। ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। थकान तो लग रही है अभी, पर ये जो रास्ता है ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, जैसे भी है और मुश्किल भी है। सही बात है भाई, मुश्किल तो है पर अगर एडवेंचर करना हो तो यहाँ पे आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दर्शन वगैरह करने के लिए आ सकते हो, क्योंकि ये जो रास्ता है पूरा पथरीला वाला है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा फिक्स कोई रास्ता नहीं, बस कोई एक दिशा में आपको जाना है, बाकी अपने हिसाब से छोटा मोटा जो भी रास्ता चूज कर सकते हो वो कर लो। एक बार पत्थर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, चलने में भी बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कुछ है। बाकी देखो ऐसा कुछ नहीं। भेड़ा थी मन लगे कि नहीं भेड़ा था, मैं कि बार बार निकली जाए। तो पीछे की ओर एक छोटी मोटी खोज थी दो दिन वाली, वो समाप्त जैसी लग रही है, क्योंकि हमारे गांव से भी लोग जो है यहाँ पे आते हैं जो सेवा करने के लिए, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि पानी वगैरह हो गया, फूड वगैरह हो गया। तो भैया को, मैं एक भैया थे उसको मैसेज वगैरह कर रहा था दो दिन से, पर कुछ नेटवर्क के इशू के कारण मैसेज वगैरह सेंड नहीं हो रहा था। एक बार शायद सेंड हुआ होगा। तो यहाँ पे पीछे है सब जो कि मेरे गांव से बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेक वगैरह करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। और सभी गांव के दोस्त वगैरह है, और ये पीछे की ओर तुषार भाई है जिनको मैं मैसेज कर रहा था बहुत बार, पर मैसेज जा नहीं रहा था, सेंड ही नहीं हो रहा था। ये सभी दोस्त लोग, गोपाल भाई शायद एक आध बार वीडियो में आए नहीं आए पता नहीं अभी, ये जो है हमारे एक और दोस्त भाई है मेरा छोटा, और यहाँ पे और कुछ लोग है। सुन दियो मशीन खराब थी, अच्छा यूज है यहाँ अच्छा पानी आप जो है यूज पानी नहीं सेवा पानी नहीं चा नहीं सेवा है। वो भी कुछ हमारे गांव से ही लोग है। जब मैं रास्ते में आया था जो राजूला से मैं गाड़ी लेके आ रहा था, तब ये लोग मेरे साथ ही थे, पर इनके साथ टेम्पो वगैरह था और मेरे को रात को एक दोस्त के घर रुकना था, तो मैं उस तरफ चला गया और ये लोग सीधा जूनागढ़ी आ रहे थे। तो बस ऐसा कुछ है, अभी पूरे एक दिन के बाद अभी मेरे को मिल रहे हैं आधे रास्ते में। तो चलो कोई नहीं, इसके साथ थोड़ा बहुत टाइम वगैरह बिताएंगे और सीधा उसके बाद आगे ही निकलेंगे। तो अभी यहाँ से तुषार भाई है और जय भाई और साथ में है दो तीन जन, तो ऊपर की ओर ले जा रहे, कुछ लोकेशन वगैरह अच्छा देखने को मिलेगा। और वो भी यहाँ पे सेवा में आए, तो जहाँ से पानी वगैरह खींच रहे वो भी जगह शायद मिल जाएगी देखने के लिए। उनका भी मशीन वगैरह ख़राब हो चुका है, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी बंद हुए, तो वही वो लोग चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा है तुषार भाई के पीछे चलते हुए। तो ऐसी कुछ जगह है पीछे की ओर जहाँ पे भाई लेके आए मेरे को, तो यहाँ से थोड़ा पेड़ वगैरह नहीं है, खुली सी जगह है, तो यहाँ पे आपको पूरे गिरनार के दर्शन वगैरह हो जाएंगे। तो यहाँ से पीछे की ओर जो एक गुरु दत्तात्रेय करके मंदिर है, जो कि गिरनार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और गुजरात का भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट समझ लो, क्योंकि गिरनार गुजरात में सबसे बड़ा पर्वत है। तो यहाँ से आपको दर्शन वगैरह कराता हूँ एक बार में। बाकी ऐसी कुछ छोटी सी जगह है, देखिए पेड़ वगैरह नहीं है तो आपको लोकेशन वगैरह दिख जाएगा अच्छे से। तो अभी जा रहे नीचे की ओर, तो जहाँ से पानी वगैरह खींचते हैं तो वो जगह भी भाई दिखा रहे हैं मेरे को, और जो मेन
अच्छी बात है कि कब से वो लोग मेहनत कर रहे हैं एक मोटर चालू करने के लिए, जो मशीन है पानी खींचने वाला, तो वो चालू हो गया है। जैसे हम ऊपर आए तो पीछे की ओर से चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ हो रही है, तो जाते फटाफट से वो भी कुछ सीन वगैरह दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे सेवा वगैरह के लिए लोग आते हैं। तो ये जो सब भैया है वो मेरे गांव से ही है। भैया लेके तो आए, थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की वाला रास्ता है वहाँ पे, तो मैं संभाल संभाल के अभी नीचे उतर रहा हूँ, और कैमरा है वो भाई को दे दिया है। तो यहाँ पे आते रहते हैं हर साल, तो थोड़ा उनको एक्सपीरियंस होगा। तो जहाँ पे आने वाले थे वहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे बोल रहे थे भाई, तो यहाँ से अब छोटा सा मस्त पानी का बहता हुआ फ्लो ही समझ लो, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे छोटी सी मोटर वगैरह लगाई हुई है, जो मेन पंप है वहाँ से पानी वगैरह खींचते हैं इसमें। तो देख रहे हो बहुत ही मस्त और साफ़ सुथरा पानी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से पानी वगैरह खींच के जो भी यात्रालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको पानी पिला के सेवा करी जाती है, तो ऐसी चीज़ है अच्छी सी। यहाँ पे आए हैं, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि चढ़ाई करने में भाई थकान तो लग रही है। फिल्टर से बेहतर पानी है। सही बात है, फिल्टर से सीधा बेहतर पानी है, फिल्टर करना नहीं पड़ेगा इसको। जो ऐसे बेहतर वो पानी होता है वो कहीं पे भी आप पी सकते हो, हमेशा साफ सुथरा ही होता है। तो पीछे की ओर जो आपको एक पानी की परब वगैरह दिख रही है, तो वो बेसिकली पीपावाव धाम से, यानी कि राजुला तालुका है जो जिला अमरेली पड़ता है गुजरात में, वहाँ से वो लोग हैं। तो बेसिकली जो कि मेरा गांव है, तो मेरे गांव के लोग हैं जो मतलब यहाँ पे सेवा वगैरह करने के लिए हर साल आते हैं। तकरीबन ये सेवा वगैरह है जो पिछले 8 साल से सेवा वगैरह चल रही है। तो सेवा वगैरह कंटिन्यू चालू है, ऐसे पूरे दिन आपको मिल जाएगी। तो सभी अलग अलग लोग हैं जो भी गांव से वगैरह है, तो तुषार भाई है साथ में, बहुत सारे लोग हैं, मतलब सब मेरे गांव से ही है समझ लो ऐसा, जो मैं जहां से बेसिकली बिलोंग वगैरह करता हूँ। तो मेरा जो गांव है उसका भी मैं एक छोटा सा लोग वगैरह लेके आने वाला हूँ, तो आपको गांव का भी दर्शन वगैरह हो जाएंगे। तो बाकी बस ऐसे सेवा वगैरह अलग अलग काम में लगे, कोई कोई मतलब पानी में है, कोई पीछे की ओर चाय वगैरह बना रहा है, तो अलग अलग सब कुछ है। यहाँ पर पीछे की ओर गोपाल भाई है, और एक डॉक्टर है पेशे से, पर अभी फिलहाल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो सुरेश भाई वो भी पीछे की ओर, उसको भी दिखा मिला था आपको एक बार, जो कि यहाँ का तामझाम अभी फिलहाल वो संभाल रहे हैं। पीछे की ओर देख रहे हो सुरेश भाई, वो पेशे से डॉक्टर है, पर अभी यहाँ पे चाय बना रहे हैं सेवा के लिए। और बाकी जो भी यहाँ का पूरा तामझाम है तो वो भी सुरेश भाई संभाल रहे पूरा। तो भाई एक बार देखो, आग से पानी भी आएगा, ये सब कुछ है, पर सेवा का मतलब अपने को भाव होना चाहिए। तो आप कर सकते हो, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पर सेवा है वो हमेशा करती रहनी चाहिए। तो बस कोई नहीं, चलो मैं यहाँ से आगे की ओर निकलता हूँ अभी फिलहाल, और मेरी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ।